वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन। तो देखिए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 250 ग्राम चीनी। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 2.5 गिलास पानी। तो उसके अंदर हम डाल देंगे चीनी और चीनी को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चाशनी बन रही है, तब तक हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया गुलाब जामुन मिक्स के 3 पैकेट। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीनों पैकेट को इसके अंदर निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा गुलाब जामुन का डोर बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं इसे ढककर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तब तक हम हमारी चाशनी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी चाशनी उबल रही है और हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। छोटे से हम लोहे लेके इसका पेड़े बना लेंगे, जैसे इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और चाशनी को देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चाशनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल सकते हो, मैं नहीं डालने वाली हूँ इसमें। तो अब हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे। यहाँ पर हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी गुलाब जामुन बॉल्स। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गुलाब जामुन को चाशनी के अंदर डाल देंगे। एक से 1.5 घंटे के लिए अब हम इसे भीगने देंगे चाशनी के अंदर। तो यहाँ पर हमारा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ।